अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इफ यू आर अ बिगिनर जिसको मेकअप का नहीं पता, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग अगर बिगिनर हो तो आप लोगों को एक फाउंडेशन कैसा खरीदनी है, कंसीलर कैसा खरीदना है, और फाउंडेशन और कंसीलर को अप्लाई किधर करते हैं और कैसे करते हैं। तो एवरीथिंग इज इन अ सिंगल वीडियो। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मेरे पास दो फाउंडेशन शेड्स हैं, ठीक है। फाउंडेशन शेड्स होते हैं ना, वो अक्सर आपस में बहुत ही ज्यादा क्लोजली मैच कर रहे होते हैं। तो इट्स समटाइम्स डिफिकल्ट कि आप लोग जो हो शेड सेलेक्ट करो, बट इट कैन बी योर प्रेफरेंस, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं शेड बेज 2 बताती हूँ कि अगर आप लोगों ने आप मार्केट जाते हो और आप लोग फाउंडेशंस देख रहे हो खरीदने के लिए, थोड़ी सी फाउंडेशन टेस्टर वाली निकालनी है। ये हमने कर लिया स्वॉच। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड आउट करूंगी और अब हम इसको यहीं रहने देंगे, सही। अब मैं ले रही हूँ शेड फेयर और अब हम करेंगे फेयर का स्वॉच। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा जो है ना ब्लेंड करेंगे और 2 मिनट रुकेंगे कि ना हमें पता चल जाए कि ये जब सूखती है ना, तो मतलब फिर फाउंडेशन का जो आपको असल कलर है ना, तब पता चल जाए, थोड़ा सा ड्राई आउट होने लग जाता है, ठीक है। अब आप लोग देखो कि ये फिर मेरी स्किन टोन से मैच कर रहा है। ये थोड़ा सा येलो अंडर टोन का है, लेकिन ये मेरी स्किन टोन से कुछ हद तक जो है मैच कर रहा है। बट लुक एट दिस शेड, दिस इज टू फेयर। बहुत ज़्यादा जिनकी स्किन टोन होती है ना बहुत फेयर की तरफ होती हैं, वो लोग ये कलर खरीद सकते हैं, लेकिन मेरा ये शेड जो है मुझे मैच नहीं कर रहा, तो आई विल गो फॉर बेज 2। देखो मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा येलो टोन में जा रहा है, लेकिन इट इज स्टिल मैचिंग माई स्किन टोन। तो आप लोगों ने ना तो लाइट लेना है ना तो डार्क लेना है, आप लोग जो हो अपने स्किन का मैचिंग कलर ले सकते हो, ठीक है। और एक और बात ये कि कुछ फाउंडेशन होती हैं, जिस तरह एक ब्रांड है मुसर्रत मिसबाह, उनकी जो फाउंडेशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। तो उस केस में आप लोग जो हो इस तरह एक शेड लाइट ले लो, जो है जब वो ऑक्सीडाइज हो तो वो बहुत ज्यादा ऑरेंज मत लगे, सही है। अच्छा, तो अब हम आते हैं कि फाउंडेशन की एप्लीकेशन एज अ बिगिनर किस तरह से करनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इज यू हैव टू मॉइस्चराइज योर फेस। इफ यू डोंट मॉइस्चराइज योर फेस तो आपकी फाउंडेशन इतनी केकी लगेगी और वो इतनी बुरी लगेगी, मतलब वो ठीक से लगेगी ही नहीं, और मेकअप जो है वो ऑफकोर्स अच्छा नहीं होगा। तो हम पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मैं जेन फार्म का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। मेरी जब स्किन अच्छे से हो जाएगी मॉइस्चराइज, देन आई विल गो फॉर अ प्राइमर एंड देन फाउंडेशन। तो ये है मेरी स्किन, पूरी अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो गई है। आप लोगों की ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, ड्राई है, प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर फेस। थोड़ा सा हम प्राइमर लेंगे। आई एम यूजिंग O2O का प्राइमर। और हम इसको अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। प्राइमर लगाने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा जो है ना गैप दे देना है, ताकि जो प्राइमर है ना वो अच्छे से हमारी स्किन के अंदर जो है सेटल इन हो जाए। जब वो हो जाएगा उसके बाद अब हमारी फाउंडेशन बहुत अच्छे से लग जाएगी। ये हमारी स्किन है इस टाइम पे, एंड लेट्स अप्लाई फाउंडेशन। फाउंडेशन बहुत ज़्यादा नहीं लगानी इफ यू आर अप्लाइंग इट फॉर अ रेगुलर एवरी डे, ठीक है। मिस रोज की जो है ये थोड़ी सी मीडियम टू हाई कवरेज है, इसलिए मैंने इसकी इतनी थोड़ी सी क्वान्टिटी ली है, और अब मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी। अच्छा, जब आप लोग फाउंडेशन अप्लाई कर रहे होगे तो आप लोगों ने इस तरह डॉट डॉट करके ना अपने फेस के ऊपर लगा लेना है, एकदम से पूरे फेस के ऊपर ही। वो पंप करके आप जो यूं कर देते हो ना, पंप को यूं कर दो और पूरे फेस के ऊपर यहाँ लगाया, तो वो उससे क्या होगा कि आपकी फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हो सकेगी, इवनली आपके फेस पर भी नहीं लगेगी, और वो केकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी थोड़ी फाउंडेशन दी। अब मैं हाथों की हेल्प से ही इसको स्प्रेड आउट कर रही हूँ। अगर आपका फेस मॉइस्चराइज ना होता तो फिर ये स्टेप बहुत मुश्किल हो जाना था। तो ये देखो आराम से हो गई। अब मैं अपना एक
वेट ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, इसको वेट होना चाहिए, अच्छे तरीके से इसको गीला करना है, उसको निचोड़ के उसके बाद जो मतलब ये जो सॉफ्ट सा हो जाएगा ना, फिर हम इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। एज अ बिगिनर बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि जो आपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर है वो यूज़ करना है। अगर आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करोगे तो वो तो फाउंडेशन आपकी वो ही नहीं होगी, ब्लेंड आउट ही नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत अच्छी फाउंडेशन की फिनिश मिल जाएगी। तो एज यू गाइज कैन सी कि हमारी फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गई है, सही हो गया। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिगिनर्स के लिए इस तरह की वीडियोस लेके आऊँ कि उनको बिल्कुल जो बेसिक मेकअप होता है ना वो आ जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो समझते हैं कि जो कंसीलर होता है ना उससे हम डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, कंसीलर गलत उठा के ले आते हैं और समझते हैं कि कंसीलर अच्छा नहीं है क्योंकि वो हमारे डार्क सर्कल्स हाइड नहीं कर रहा। नहीं, ऐसे नहीं है। आप लोगों ने कंसीलर जो होते हैं ना वो बेसिकली होते हैं टू ऐड डायमेंशन टू योर फेस और हाईलाइटिंग पर्पज के लिए यूज़ होता है। हाँ, कंसीलर के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन उसके लिए भी एक टेक्निक्स होती हैं और क्या क्या आप लोगों ने मिक्स करके कंसीलर को किस तरह से लगाना है, तो वो जो है वो दैट इज़ फॉर अ डिफरेंट पर्पज। अभी हम बात करते हैं कंसीलर स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए। कंसीलर इज़ टू ऐड डायमेंशन। तो कंसीलर का जो शेड होता है ना वो वन शेड लाइट होता है देन योर फाउंडेशन। ये शेड है पोर्सलेन बाय ब्यूटीफाई बाय आमना। इस तरह का इसका एप्लीकेटर है और अब इसको अप्लाई करेंगे अपनी अंडर आइज को ब्राइटन अप करने के लिए। ये देखो मेरी फाउंडेशन से ये लाइट है, हल्का सा मैं यहाँ लगाऊंगी इसको ब्राइटन अप करने के लिए, अपनी ब्रिज ऑफ नोज, राइट हेयर, कुछ लोग चिन एरियाज, यहाँ को हाईलाइट, यहाँ पे हाईलाइट, हर जगह हाईलाइट करना पसंद करते हैं बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ वेडिंग वगैरह तो वहाँ पे जो है ना हाईलाइट किया हुआ फेस फुल मतलब अच्छे तरीके से कॉन्टोरिंग वगैरह बहुत प्यारा लगता है अगर आपको सही वाली आती है। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी एंड यू विल सी द डिफरेंस जो कि आएगा। तो ये है इंस्टेंट ब्राइटनिंग हमारी अंडर आइज़ की एंड लुक हाउ प्रिटी इट लुक्स। ठीक है, इस साइड को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइटर लगाएंगे, एज इन कंसीलर लगाएंगे टू हाईलाइट माय अंडर आइज़। और अच्छा गाइस, तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सीखा होगा कि फाउंडेशन कंसीलर किस तरह से सिलेक्ट करते हैं और किस तरह से उसकी एप्लीकेशन होती है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच रेस्ट ऑफ माय वीडियोस क्योंकि वो भी बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। सो अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।